Hello guys, welcome you to Kaira Classes. Today we are going to start new chapter of class 12 biology, chapter 10 microbes in human welfare. So aaj ki video ka topic hai microbes in household products and industrial products. So video start karne se pehle agar aapne abhi tak mere channel ko subscribe nahi kiya hai to please subscribe kare Kaira Classes ko jisse ki aap meri koi bhi video miss na kar paye. Thank you. So start करते हैं आज की वीडियो. Microbes या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से ऐसा लगता है कि डिजीज कॉजिंग होंगे. तो जब ये डिजीज कॉज करते हैं तो इन्हें हम कहते हैं pathogens. लेकिन सारे के सारे microbes या सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिजीज कॉज नहीं करते हैं. कुछ हमारी बेहतरी के लिए भी होते हैं, हमारे वेलफेयर के लिए भी होते हैं, मतलब ह्यूमंस के यूज के लिए भी काफी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इस चैप्टर में हम ह्यूमन वेलफेयर में जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं उनको स्टडी करेंगे. माइक्रोब्स डाइवर्स हैं, मतलब वैरायटीज ऑफ माइक्रोब्स आपको देखने को मिलेगी. जैसे प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंगस है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस हैं, विरोइड्स हैं और प्रायंस हैं जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं. प्रोटीनेशियस मतलब जो कि प्रोटीन कंटेन करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक से, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ. मल्टी सेलर भी हो सकते हैं, जैसे एल्गी, फंजाई. तो इसमें आपको सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, प्लस आपको मल्टी सेलर माइक्रोब्स भी देखने को मिलते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या माइक्रोब्स हार्मफुल होते हैं, और मैंने आपको बताया था अगर हार्मफुल है इसका मतलब वो डिजीज कॉज करेंगे, तो उन्हें हम कहते हैं पैथोजेंस. और वो तरह तरह की डिजीज जो है वो कॉज करते हैं ह्यूमंस में. सो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आता है मिल्क टू कर्ड. किस तरह से हम मिल्क से कर्ड को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. अब इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब यूज किया जाता है वो है लैक्टोबैसिलस, और दूसरा हम कॉमनली इसे कह सकते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB, जो कि मिल्क में ग्रो करता है और फिर उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में. ग्रोथ के दौरान जो लैब है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि मिल्क की प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, या फिर मैं कह सकती हूं मिल्क के जो प्रोटीन्स है, कैसीन मिल्क प्रोटीन है, उसको पार्शली डाइजेस्ट कर देता है, आधा डाइजेस्ट कर देता है. A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12, helps in the synthesis of DNA and RBC, red blood cells. So, मैंने आपको क्या बताया, lactobacillus जो है वो milk को curd में convert करता है. तो ग्रोथ के दौरान वो क्या करता है, लैब जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि क्या करता है, मिल्क को कोगुलेट कर देता है, मिल्क प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देता है, या फिर पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन्स को, केसीन को. अब क्या करते हैं, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कर्ड लिया जाता है, उसे फ्रेश मिल्क में ऐड किया जाता है एक तरह से, वो इनोकुलम या स्टार्टर के तौर पे जिसमें बहुत सारे लैब होते हैं. तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड में बहुत सारे मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. तो जब हम इस स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को ऐड करते हैं फ्रेश मिल्क में तो उसे हम कहते हैं इनोक्युलम या स्टार्टर. सुटेबल टेम्परेचर पे वो मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपनी कॉपीज बनाता है, इंक्रीज करता है नंबर में, दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड. तो फिर उससे क्या होता है, मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. अब मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हुआ तो इससे क्या हुआ, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है वो भी इंप्रूव होती है, वो भी इनहेंस होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि विटामिन B12 का जो लेवल है, अमाउंट है, वो इंक्रीज हो जाता है. और ये जो विटामिन B12 है वो DNA के सिंथेसिस में, फॉर्मेशन में और RBCs के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. विटामिन B12 डेफिशिएंसी कॉजेस एनीमिया, सीवियर डैमेज टू नर्वस सिस्टम एटसेट्रा. इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. तो ये जो विटामिन B12 है अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, नर्वस सिस्टम को काफी डैमेज पहुंच सकता है, सीवियर डैमेज पहुंच सकता है.
इवन ये हमारे स्टमक में भी एक बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करता है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कि ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करता रहता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इसमें पहला है एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन। जब भी आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट्स देते हैं या कैप्सूल्स देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, सच एज ऑफ पेनिसिलिन। अब ये जो सोर्स है, बेसिकली ये जो मेडिसिन आ कहां से रही है या इसका जो सोर्स है वो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो बेसिकली जो भी एंटीबायोटिक टैबलेट्स या कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो वो सब कहां से आ रहे हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स से आ रहे हैं। ये जो मेडिसिन है ये तो, या जो जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देती हैं, खत्म कर देती हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसको रोक देती हैं। इन मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक्स मतलब लाइफ। ओके, दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजी एंड बैक्टीरिया। आजकल एंटीबायोटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा स्केल पे प्रोड्यूस हो रही है बैक्टीरिया और फंगस से, फंजी से। इससे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये कुछ कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स हैं जो कि फंजी और बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है उन्होंने काम किया था, बेसिकली उन्होंने काम किया था एक कल्चर पे, और वो कल्चर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का था, और वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया का नाम था स्टेफिलोकोकाई। सडनली उन्होंने देखा कि कुछ स्पोर्स जो है, छोटे छोटे ग्रीन मोल्ड जिसे हम कह रहे हैं पेनिसिलियम नोटैटम, वो उनके कल्चर प्लेट्स पे ग्रो करना स्टार्ट कर गए थे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जिन कल्चर प्लेट्स में मोल्ड थे, या मैं कह सकती हूँ जो स्पोर्स थे मोल्ड के, उनसे क्या हो रहा था, बैक्टीरिया की ग्रोथ उन वाले कल्चर में नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब कि मोल्ड जो है वो प्रिवेंट कर रहा था ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। साथ में इसने बहुत सारे बैक्टीरिया को भी किल कर दिया था, ये जो मोल्ड था इसने बहुत सारे बैक्टीरिया को भी किल कर दिया था। तो यहां से जो मोल्ड पेनिसिलिन है वो प्रिपेयर किया गया था। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स जैसे मैंने आपको बताया था, अब जरूरत नहीं है तब भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया है, जो बेसिकली माइक्रोब्स हैं, आप उनको भी किल कर सकते हो अगर आप उसे अननेसेसरीली ले रहे हो। तो कुछ डेडली डिजीजेस हैं जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे प्लेग। प्लेग जो है वो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। वूपिंग काफ जो है, जिसे हम पर्ट्यूसिस भी कहते हैं, और ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। डिप्थेरिया इज ऑल्सो कॉज बाय द बैक्टीरिया जिसका नाम है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया। और लेप्रोसी जिसे हम हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होते हैं। तो ये जो डिजीजेस हैं ये इतनी बेसिकली डेडली डिजीजेस थी, और ये जो एंटीबायोटिक्स हैं इन्होंने हमारी कैपेसिटी इंप्रूव की थी कि हम इनसे हम इन्हें ट्रीट कर सके, हम इनसे लड़ सके। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। आज के दौर में तो हम बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते कि एंटीबायोटिक्स के बिना दुनिया कैसी होगी। एंटीबायोटिक्स हाउ एवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो है ज्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही काम करता है, लेकिन ये नॉन इफेक्टिव होता है अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू जो कि वायरसेस होते हैं। तो वायरसेस के अगेंस्ट जो है वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, लेकिन बैक्टीरियल जितने भी इन्फेक्शन हैं, बैक्टीरियल जितने भी डिजीजेस हैं, उनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो काम करती है। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अब जब कोई माइक्रोब डिजीज कैरिंग, मतलब डिजीज कोई कैरी कर रहा है माइक्रोब जो डिजीज कॉज करेगा, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तो जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती है जिससे वो उस इन्वेडर से फाइट कर सके, उस माइक्रोब से फाइट कर सके। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। इम्यून सिस्टम की यहाँ पे बात हो रही है, प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो जब प्राइमरी रिस्पॉन्स किसे कहते हैं, जब फर्स्ट टाइम बॉडी में एंटर कर रहा है,
माइक्रोब, तो उसे हम कहते हैं, और फिर एंटीबॉडीज बनी और फिर एंटीबॉडीज ने फाइट की, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स तब होता है जब सेम माइक्रोब्स दोबारा एंटर करेगा हमारी बॉडी में, फिर जो एंटीबॉडीज फाइट करेंगी उससे, तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है, और वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो काफी इनहेंस होता है, काफी एक्टिव होता है। सो बॉडी जो है वो रिमेंबर करती है उस माइक्रोब को, और फिर क्या करती है, उस माइक्रोब से फाइट करती है अगर वो दोबारा एंटर करता है बॉडी में। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। तो अगर कोई डेड माइक्रोब या कोई वीकेंड माइक्रोब हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो बॉडी जो है वो फाइट करती है और उन्हें किल करती है बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। जो भी सुटेबल एंटीबॉडीज हैं उन्हें प्रोड्यूस करके बॉडी जो है वो फाइट करती है इन माइक्रोब्स से। सो इस तरह से एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रहती हैं और हमें डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से प्रोटेक्ट करती रहती हैं। तो इस तरीके से एक वैक्सीन जो है वो काम करती है। बहुत सी डिजीज हैं जैसे कॉलरा, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सबसे हम बच सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था वैक्सीन जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए था इन 1798। नाउ नेक्स्ट है हमारा टॉपिक माइक्रोब्स एंड फर्मेंटेशन। शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। तो जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती है किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से। ये जो प्रोसेस है ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन 1857 में। जो डो है, जो आटा है बेसिकली, जो कि डोसा और इडली जैसे खाने को बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो भी हम उसे भी हम फर्मेंट कराते हैं बैक्टीरिया से। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्हिच इज रिलीज्ड बाय द माइक्रोब्स। अब जो फूलापन है, मतलब जो आटे का जो फूलापन है, वो किसकी वजह से होता है? वो जो ये माइक्रोब्स जो गैस रिलीज करते हैं, CO2 गैस रिलीज करते हैं, और उसका जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से ये पफ्ड अप अपीयरेंस जो है वो डो का देखने को मिलता है। सिमिलरली द डो व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट सैक्यूरोमाइसिस सेरेसी। सिमिलरली जो ब्रेड बनाने के लिए जो डो यूज किया जाता है उसे भी हम फर्मेंट कराते हैं बेकर्स ईस्ट से, जिसका नाम है सैक्यूरोमाइसिस सेरेसी। A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by the microbes. बहुत से traditional drinks और foods हैं जो कि fermentation के through, मतलब microbes के use से हम उन्हें ferment करा रहे हैं और उन्हें use कर रहे हैं। Toddy एक traditional drink है of some parts of southern India is made by fermenting sap from palms. तो जो palms हैं उनके basically पौधों के रस को ferment किया जाता है और उससे एक traditional drink बनाई जाती है toddy, जो कि ज्यादातर फेमस कहाँ है? साउथ इंडिया में। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। माइक्रोब्स जो है फिश को फर्मेंट करने के लिए सोयाबीन को, बैम्बू शूट्स को, जिससे वो फूड जो है वो फॉर्म कर सके या फूड बना सके, तो माइक्रोब्स का इन सब चीजों में भी काफी यूज होता है। नेक्स्ट हमारा फर्मेंटेड बेवरेजेस। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy or rum. Microbes, ज़्यादातर especially अगर मैं बात करूँ yeast की, तो उन्हें बहुत time से use किया जा रहा है yeast को, जिससे वो wine, beer, whiskey, brandy और rum बना सकें, मतलब for the formation of wine, beer, whiskey, brandy और rum, yeast को काफी time से use किया जाता है। For this purpose, the same yeast Saccharomyces cerevisiae used for bread making and commonly called brewer's yeast is used for fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol. इस purpose के लिए same yeast जो basically जो bread बनाने के लिए use की जाती है Saccharomyces cerevisiae, जिसे हम brewer's yeast भी कह रहे थे commonly, उसे use किया जाता है जिससे जो malted cereals हैं उनको ferment किया जाए, fruit juices को ferment किया जाए, जिससे ethanol जो है वो फॉर्म हो सके। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल इज बेसिकली अल्कोहल। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन्ड। अब
किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है उस पर डिपेंड करते हुए, जो कि फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाएगा कौन सा रॉ मटेरियल, तो जो प्रोसेसिंग की टाइप है डिस्टिलेशन के साथ या डिस्टिलेशन के बिना, तो उससे हम अलग अलग टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो बना सकते हैं। वाइन और बियर जो है वो बिना डिस्टिलेशन के प्रोड्यूस की जाती है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो फर्मेंटेड सूप, जो बेसिकली ब्रॉथ, फर्मेंटेड सूप जो है उसके डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। तो वाइन और बियर यहाँ पे डिस्टिलेशन के बिना प्रोड्यूस की जाती है, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो है वो फर्मेंटेड ब्रॉथ के डिस्टिलेशन से फॉर्म की जाती है। सो यहां होती है हमारी वीडियो खत्म। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एंड सीवेज ट्रीटमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।